बात 80 के दशक की है, जब मिल मालिक उनमें काम करने वाले मजदूरों का बेजा इस्तेमाल करते थे और पगार के नाम पर उन्हें मामूली तनख्वाह दिया करते थे। ऐसे में मालिकों की इस मनमानी से निपटने के लिए मिलों में मजदूर यूनियन बनाने लगी थी। गुजरात में ऐसी ही एक मिल जिसका नाम महाराणा था, उस मिल में मजदूरों की यूनियन का लीडर सरमन मूंजा जडेजा था। हड़ताल खुलवाने के लिए मिल मालिक ने सरमन मूंजा के कत्ल की सुपारी देवू वाघेर नाम के गुंडे को दे दी, लेकिन सरमन मूंजा ने देवू को ही मौत के घाट उतार डाला और अब वो बन गया था सौराष्ट्र का सबसे बड़ा डॉन और इसी डॉन की पत्नी को जमाना संतोख बेन के नाम से जानता था। सरमन ने डॉन बनने के बाद मिल की नौकरी छोड़ दी और गुनाह के कारोबार में लग गया। हालांकि जल्द ही उसका मन गुनाह से हट गया, उसने गुनाह को अलविदा कह दिया और सादी जिंदगी जीने लगा। लेकिन साल 1986 में काला केशव गैंग ने सरमन को मौत के घाट उतार दिया। अब बारी संतोख बेन और उसके परिवार की थी। तब संतोख बेन ने तय किया कि अगर जिंदगी जीनी है तो फिर हथियार उठाने ही पड़ेंगे। संतोख बेन ने एक बार फिर अपने गैंग को इकट्ठा किया और उसके बाद शांत रहने वाले गुजरात में गैंग वॉर की धमक सुनाई दी। संतोख बेन ने सरमन के कत्ल में शामिल लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू किया। एक के बाद एक संतोख बेन ने सरमन के कत्ल में शामिल 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इन हत्याओं के बाद संतोख बेन का असर फिर बढ़ने लग गया था। राजकोट और पोरबंदर तो संतोख बेन के गढ़ माने जाने लगे। सौराष्ट्र के हर शहर में संतोख बेन का दबदबा था। वक्त बीता और संतोख बेन मदर से गॉड मदर बन गई। रुतबा कुछ ऐसा कि संतोख बेन जडेजा के आगे कानून भी पौना नजर आने लगा। गॉड मदर की दहशत न केवल सौराष्ट्र में दिखती थी बल्कि पूरे गुजरात में। संतोख बेन जडेजा का ऐसा रसूख था कि कोई उस पर और उसके परिवार पर हाथ तो दूर नजर उठाने की जरूरत भी नहीं करता था। हर किसी को मालूम था कि संतोख बेन जडेजा खून का बदला खून से नहीं लेती बल्कि गुजरात की सड़कों पर खून की नदियां बहा देती। उसकी ये पहचान ऐसे ही नहीं बनी थी। पति की मौत का बदला लेने के बाद संतोख बेन तमाम गैर कानूनी धंधों में भी अपना हाथ आजमाने लगी थी। खदानों के ठेके भी गॉड मदर की कंपनी को ही मिला करते थे और इसी वजह से उसकी कई गैंग से अदावत भी हो गई और गाहे बगाहे इन धंधों की वजह से गुजरात की धरती खून से लाल होती रहती थी। संतोख बेन के असर को खत्म करने की भरसक कोशिश की गई लेकिन तब तक संतोख बेन अपनी जगह बना चुकी थी। गुजरते वक्त के साथ संतोख बेन की उम्र ढलने लगी थी और अब संतोख बेन के बच्चे बड़े हो रहे थे। अब संतोख बेन का काम उनका बड़ा बेटा कांधल संभालने लगा था। बताते हैं पोरबंदर में संतोख बेन का सबसे ज्यादा असर था। यहाँ पर होने वाले हर अपराध का कोई ना कोई कनेक्शन संतोख बेन गैंग से ही निकलता था। कांधल के आने के बाद निशाने पर ऐसे गैंग थे जो लंबे वक्त से संतोख बेन के लिए सिरदर्द बने हुए थे। कांधल ने धीरे धीरे इन गैंग्स का सफाया करना शुरू कर दिया। गॉड मदर अब बैक सीट पर थी लेकिन अब संतोख बेन की एंट्री होने वाली थी राजनीति में। यहाँ पर आपको ये बताते चले कि संतोख बेन के पति सरमन मूंजा माहिर जाति के बड़े नेता थे। राजनीति में पैर तो संतोख बेन ने पति की मौत के बाद ही जमाने शुरू किए लेकिन साल 1990 में वो जनता दल के टिकट पर विधायक बन गई। माहिर जाति का पूरा वोट बैंक संतोख बेन के हाथों में था और कोई भी राजनीतिक दल सौराष्ट्र में संतोख बेन की अनदेखी नहीं कर सकता था। राजनीतिक कुर्सी मिलने के बाद संतोख बेन का दबदबा इलाके में और बढ़ गया। कई वादों में रहने के बावजूद वो 5 साल तक विधायक बनी रही। संतोख बेन के बेटे कांधल की अब शादी हो चुकी थी और अब संतोख बेन का काम कांधल और उसकी पत्नी रेखा देख रहे थे। इसी बीच कांधल ने उसके गैंग के वर्चस्व के लिए सबसे बड़ी रुकावट बने केशु नेभा को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने कांधल को गिरफ्तार किया और पूरे कामकाज की बागडोर कांधल की पत्नी रेखा के हाथ में आ गई।